फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जहरीश इंस्टीट्यूट। सो आज की इस वीडियो में मैं NIS वाले बच्चों के बारे में बात करने वाली हूँ। सो जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि आप लोग को लेकर के मंडे मीटिंग होने वाली है 12th वाले बच्चों को, कि किस तरह से आप लोगों को प्रमोट किया जाए। और खाली TMA को लेकर के डिस्कशन चल रहा था कि किस तरह से TMA के बेस पर आप लोग को रिजल्ट दिया जाए, क्योंकि खाली TMA जो है इतना कोई सॉलिड चीज़ नहीं है जिसके हिसाब से आप लोग को प्रमोट कर दिया जाए, आप लोग के रिजल्ट अनाउंस कर दिया जाए, आप लोग को अच्छी परसेंटेज दे दी जाए। तो यही चीज़ को लेकर डिस्कशन चल रहा था कि अगर खाली लास्ट ईयर की तरह प्रैक्टिकल एग्ज़ाम भी हो जाते तो उसके हिसाब से भी प्रमोट करना आसान हो जाता, लेकिन खाली TMA के बेस पे जो कि उसमें टोटल 6 क्वेश्चंस होते हैं जो कि बच्चा इधर उधर से देख के भी कर लेता है, तो उसमें खाली ऐसा नहीं कि आप भी जानते हैं, इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं कि TMA आप लोग जो बच्चे सेल्फ करते हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैक्सिमम बच्चे यही करते होंगे कि उसका क्वेश्चन जो होता है वो सर्च आउट करके गूगल वगैरह पर उसके आंसर्स जो नोट डाउन करके TMA रेडी करके सबमिट करवा देते होंगे। तो उसके बेस पे जो है आप लोग का रिजल्ट तैयार करना, प्लस खाली 6 क्वेश्चंस होते हैं उसमें और कोई ऐसी सॉलिड चीज़ भी नहीं, जैसे कि CBSE बोर्ड है उसमें मॉक टेस्ट होता है, प्री बोर्ड एग्जामिनेशन होते हैं और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ हो जाती है जिसके हिसाब से अगर उनको प्रमोट किया जाए तो उनका रिजल्ट तैयार हो सकता है अच्छी परसेंटेज वाला। लेकिन खाली यहाँ पे NIS बोर्ड में ये है कि खाली इनके इंटरनल असेसमेंट क्या TMA होता है और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स होते हैं, बाकी आप लोगों का डायरेक्ट फिर थ्योरी एग्ज़ाम हो जाता है। थ्योरी एग्ज़ाम हो नहीं पाया, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो नहीं पाया, ये दोनों चीज़ हो नहीं पाई और खाली आप लोग का TMA है जिसके बेस पे आप लोगों को प्रमोट करना है। 10th वाले बच्चों का तो अनाउंस कर दिया गया कि उनको इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से प्रमोट किया जाएगा, तो ऑब्वियसली अब 10th वाले बच्चों को प्रमोट करने में इतनी दिक्कत नहीं है। 10th वाले बच्चों को अगर इंटरनल असेसमेंट के हिसाब से प्रमोट किया जाता है तो उन्हें 10th से प्रमोट होकर के 11th में जाना है। दिक्कत आती है 12th में। 12th वाले बच्चों को अगर प्रमोट किया जाए तो आगे जाकर के, मतलब प्रमोट तो किया जाएगा लेकिन कोई सॉलिड चीज़ पे आप लोग का रिजल्ट तैयार होना चाहिए। खाली TMA के बेस पे प्रमोट करने में दिक्कत ये आ रही है कि आफ्टर 12th आप लोगों को क्लास में नहीं जाना है, आप लोगों को कॉलेज में जाना है। कॉलेज क्या है? जहाँ आप लोग का करियर की शुरुआत होती है। आप लोग को जिस फील्ड में जाना है, कौन से करियर में, कौन सी फील्ड में जाना है, क्या करना है, BFA, MFA, BCom, MCom, जो भी आप लोग को BA वगैरह करना है, तो वो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कॉलेज, उसी के हिसाब से आप लोग का करियर डिसाइड किया जाएगा। तो 12th और 10th की जो मार्कशीट होती है, जो रिजल्ट होता है कॉलेज में इंपॉर्टेंट होता है, और उसके इस बार तो एग्ज़ाम हो नहीं पाया तो वो आप लोग का रिजल्ट TMA के बेस पर तैयार करना है। तो ये मीटिंग चल रही थी कि किस तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाए, तो काफ़ी सारे लोगों ने ये भी सजेस्ट किया कि जिस तरह से CBSE बोर्ड जो है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स ले रहा है उसी तरह से NIS बोर्ड में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स ले लिए जाएँ, क्योंकि लास्ट ईयर तो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम एटलीस्ट था और ठीक है, लास्ट ईयर भी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम और TMA होने के बावजूद जो है रिजल्ट ख़राब कर दिया गया, लेकिन इस बार खाली TMA है इसलिए ज़्यादा NIS बोर्ड जो है टाइम ले रहा है कि प्रॉपर तरीके से, जब तक कोई डिसाइड प्रॉपर तरीके से नहीं हो जाता कि किस तरह से बच्चों को प्रमोट किया जाए, किस तरह से उनके अच्छे रिजल्ट आए, क्योंकि NIS बोर्ड में काफ़ी सारे वीक बच्चे भी हैं जो कई बार फेल भी हो जाते हैं, तो उन सारे बच्चों को प्रमोट करना, अच्छे परसेंटेज देना, और जो थोड़े वीक हैं पढ़ाई में तो उनको ठीक ठाक परसेंटेज देना, तो उस चीज़ को लेकर के सब यही डिस्कशन चल रहा है कि ऐसा क्या इंतज़ाम किया जाए जिसके बेस पे बच्चों को मार्क्स दिया जाए, प्रमोट किया जाए। तो यही डिस्कशन चल रहा था, सबने सजेस्ट भी किया कि प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में ले लिया जाए, जिस तरह से CBSE बोर्ड जो है ऑनलाइन मोड में बच्चों के एग्ज़ाम ले रहा है उस तरह से हम भी ले सकते हैं, लेकिन फिर दिक्कत यहाँ फंसती है, सबके पास अभी कोई ऐसा तो है नहीं कि कोई भी अब दुनिया में ऐसा नहीं बचा जिसके पास कोई ना इंटरनेट ना हो या फिर फ़ोन ना हो, मोबाइल फ़ोन ना हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास ये सब चीज़ें अभी अवेलेबल नहीं हैं। बहुत सारे गाँव हैं, NIS बोर्ड में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो गाँव से आते हैं, जो जिनके गाँव में नेटवर्क नहीं है, फ़ोन वगैरह नहीं है, उनके पास स्मार्टफोन नहीं है, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक कंडीशन उनके घर की अच्छी नहीं है कि उनके पास अपना अपना स्मार्टफोन हो, तो ये सारी चीज़ें सबके पास तो अवेलेबल है नहीं। तो कुछ बच्चे तो एग्ज़ाम दे देंगे, चलो ठीक है, मैक्सिमम बच्चे एग्ज़ाम दे देंगे, लेकिन कुछ ऐसी परसेंटेज तो उनके करियर के साथ तो खिलवाड़ हो जाएगा जो बच्चे एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे बिकॉज ऑफ कि ऑनलाइन मोड में एग्ज़ाम लिया जा रहा है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो चाहे थ्योरी हो, थ्योरी तो ऑब्वियसली नहीं लिया जाएगा क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम कैंसिल करने का नोटिस जारी कर दिया गया कि आप लोग के एग्ज़ाम नहीं होंगे, आप लोगों को प्रमोट किया जाएगा। ठीक है, तो ऑनलाइन मोड में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेना वो भी जो है एक तरह से मना ही कर दिया गया NIS बोर्ड की जो मीटिंग हुई थी मंडे को, तो उसमें भी मना कर दिया गया कि ये वाला आइडिया भी सही नहीं है, क्योंकि ठीक है ऑनलाइन मोड में लिया जा सकता है लेकिन काफ़ी सारी ऐसी परसेंटेज वाले बच्चों की भी दिक्कत फंस जाएगी, कल को वो कहेंगे मैम
या सर हमारे एग्ज़ाम तो हो ही नहीं क्योंकि हमारे पास अवेलेबल नहीं है, ये सारी फैसिलिटीज़ नहीं है हमारे पास, तो किस तरह से हम एग्ज़ाम दें, हमारा रिजल्ट का क्या होगा। तो उन सारे बच्चों के साथ जो ये नाइंसाफ़ी हो, जल्दी आप लोगों के लिए कोई ना कोई नोटिस ज़रूर आने वाला है, आप लोग टेंशन मत लीजिए। बाकी आप लोग अपने करियर की शुरुआत करिए, आगे का सोचिए कि आप लोग को आगे क्या करना है, आफ्टर ट्वेल्थ अपना कौन से कॉलेज में जाना है, कौन से फील्ड में जाना है, बी कॉम करना है, एम कॉम करना है, क्या क्या करना है। जो कुछ भी डाउट हो, कुछ पूछना भी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी एनआईएस बोर्ड को लेकर जल्दी कोई नोटिस आने वाला है, जैसे ही आएगा मैं आप लोग को अपने चैनल के थ्रू हमेशा इन्फॉर्म करती हूँ, अभी भी आप लोग को इन्फॉर्म कर दूंगी। आप लोग टेंशन मत लीजिए, बस मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा सारी इन्फॉर्मेशन, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए, ठीक है। सारी करेक्ट इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल होती है। बाकी अगर कुछ डाउट हो तो आप लोग मुझे पूछ लीजिएगा, सारे बच्चों के मैं रिप्लाई करती हूँ। फ्रेंड्स, वक्त पर सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए, चाहे वो इग्नू की हो, सीबीएसई, एनआईएएस या किसी अदर बोर्ड, आईसीएसई, कोई भी अदर बोर्ड की, सारी इन्फॉर्मेशन मेरे चैनल पर अवेलेबल होती है। तो टाइम टू टाइम सारी इन्फॉर्मेशन लेते रहने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। फटाफट से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, और उसी के बगल में बेल आइकन है उसे ज़रूर क्लिक करिएगा, ताकि जब मैं वीडियोस डालूं तो आप तक जो मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और जितने भी स्टूडेंट्स आप लोग कॉन्टैक्ट में, सबके साथ ही वीडियो शेयर करिएगा ताकि उन तक भी इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। चलिए स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू अपडेट के साथ। जैसे ही कोई न्यू नोटिस आता है आप लोगों के लिए तो मैं आप लोगों को ज़रूर इन्फॉर्म करूंगी। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर हेल्थ एंड इम्यूनिटी, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।